हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं। यहाँ क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। जो कंप्यूटर्स यहाँ पे लैब में लगे हुए हैं वो 10 साल पुराने हैं। यहाँ पे उस बैकग्राउंड से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं जो मजदूरों के बेटे बेटियां हैं, जो किसानों के बेटे बेटियां हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो बहुत महंगा कंप्यूटर्स खरीद सकें और वो सारी चीजें कर सकें। अगर ऐसा होता तो वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं आते, किसी दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते। लेकिन यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ इतनी बुनियादी सुविधाएं नहीं है जो विद्यार्थियों को मिल सके। आज 3 साल होने को जा रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट एक भी विद्यार्थी का नहीं हुआ है, प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है। तो हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं। स्टूडियो नहीं है, आज की तारीख में अगर किसी को मीडिया में जाना है और उसने बुनियादी ट्रेनिंग नहीं ली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं ली, तो उसे कौन सा मीडिया हाउस नौकरी देगा? तो ये सारी डिमांड्स हैं हमारी। हम लगातार पिछले 4 महीने से प्रशासन से बातचीत में हैं। वे हमें लगातार आश्वासन देते हैं कि कंप्यूटर्स की व्यवस्था होने वाली है, सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, स्टूडियो की व्यवस्था होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी हमारी मांगे हैं, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आए हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उन्हें अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा, राज्य स्टेट भी वो चीज नहीं दे पाएगा, एक ऐसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी भी नहीं दे पाएगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर उनके शिक्षा तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, वो ले ही नहीं पाएंगे। मेरा नाम सोमू आनंद है, मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष। हमारी बेसिक्स डिमांड्स है, जो भी एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट करता है वो हमारी डिमांड है। ई लाइब्रेरी होना, जो स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते, वो घर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ई लाइब्रेरी होना। जो स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन क्लास भी उन्हें अटेंड करनी पड़ती है, तो क्लास के बाद और क्लास से पहले भी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, क्योंकि लाइब्रेरी इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से हम बुक्स वगैरह ले सकते हैं और अपने कोर्स के लिए कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पानी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वाटर कूलर इतने सालों से यहाँ पे बंद पड़ा है, उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा, और जो स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर तक नहीं आ पाते बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके लिए वहाँ पे फिर व्यवस्था नहीं रहती। तो बेसिक फैसिलिटी जो स्टूडेंट मांगता है अपनी यूनिवर्सिटी से वो पूरी हो। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए आते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आते हैं, और अगर वही हमको नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी में आने का कोई फायदा नहीं, फीस देने का कोई फायदा नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सारा इस्माइल, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ।